नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूलों में टीचर्स के बारे में। इसमें वैकेंसी निकाल आई है, 15 से अधिक स्कूल हैं जहां भर्ती निकली है। पूरा प्रोसेस आपको बताता हूं, इसका नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देता हूं। तो चलिए पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं और फिर साथ साथ इसका डिटेल भी देखें। देखिए नोटिफिकेशन है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़। विज्ञप्ति शासन आदेश संख्या इसमें दी हुई है, बेसिक शिक्षा अनुभाग इसमें दिया हुआ है, दिनांक 11 दिसंबर 2020 है ना। इसके पत्रांक के अनुसार इसके आलोक में विज्ञप्ति निकाली गई है। जनपद प्रतापगढ़ में कुल 15 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में ये भर्ती है। अब देख लीजिए आप एक बार, पूर्णकालिक जो टीचर्स हैं, पूर्णकालिक जो लेडी टीचर्स हैं उनके लिए भर्ती है। इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, सामाजिक विषय और गणित और विज्ञान, ठीक है। इसमें कुल पदों की संख्या देखिए आप, इसमें अंग्रेजी के 2, हिंदी संस्कृत के 5 है, सामाजिक विषय के 6 है, गणित के 10 है, विज्ञान के 8 है। अब ये इसका आरक्षण के हिसाब से दिया हुआ है डिटेल, और इसमें 22,000 रुपए इसमें मानदेय बताया गया है। पदों की संख्या जरूर थोड़ी कम है, लेकिन फिर वही बात कि हमें केवल एक पद चाहिए होता है, तो इसी उम्मीद में हमें आवेदन करना चाहिए। अंशकालिक टीचर, पार्ट टाइम जो टीचर है उनके लिए, तो यहाँ गृह विज्ञान, ठीक है ना, कला क्राफ्ट एंड संगीत, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षक के हैं और कंप्यूटर टीचर्स के हैं। ये पदों की संख्या है 3, 4 और 3। इसमें 9,800 रुपए पेमेंट मिलेगा। फिर लेखाकार अकाउंटेंट की भर्ती है, इसमें भी 2 पद है, 11,000 रुपए पेमेंट है। रसोईया के पद है, इसमें 5,175 रुपए है। चौकीदार के हैं 5,750 रुपए। चपरासी के पद है, उसमें आपको 5,750 रुपए आपका पेमेंट होगा। इनमें उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 20 मार्च 2021 तक कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ में प्राप्त कराया जाएगा। यानी आपको अपना आवेदन भरना है और भर करके 20 मार्च से पहले पहले 20 मार्च तक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ में भिजवा दें। उन पदों पर चयन हेतु योग्यता निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद प्रतापगढ़ के NIC की वेबसाइट, ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है प्रतापगढ़.nic.in पर, या कार्यालय के सूचना पट पर उपलब्ध होगा। तो अगर आप ऑफिस की विजिट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। नीचे यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी के साइन है, उनका ये लगा हुआ है, 2 मार्च को ये जारी किया हुआ है, ठीक है, और 2 मार्च 2021 को ये जारी किया हुआ है। अब नीचे इसमें इसका डिटेल दिया हुआ है, इसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं एक बार, क्योंकि ये जो डिटेल है वो उसी के संबंध में है। अब इसमें आपकी अर्हता यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। तो पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर का टेट पास किया होना जरूरी है ना, और एवं प्रशिक्षित स्नातक होंगी, यानी कि वो TGTV होनी चाहिए, यानी कि वो टेट पास हो और स्नातक हो, ठीक है ना। अब यानी कि उन्होंने BEd भी किया हुआ हो, और इसमें NCTE के मान्य प्राप्त BEd या समकक्ष LT इत्यादि भी उन्होंने किया हुआ हो, ठीक है, ये उनके लिए योग्यता है। अब इसमें नीचे चले हम कंप्यूटर शिक्षक के लिए, तो इसमें इसको भी ग्रेजुएट मांगा गया है कंप्यूटर टीचर्स के लिए भी, और इसमें NCTE से मान्यता प्राप्त BEd हो या समकक्ष कोई LT वगैरह का कोर्स किया हुआ हो, या PGDCA, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित DOESCC या इसके समकक्ष O लेवल या A लेवल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। यह कला क्राफ्ट और संगीत के लिए है। BPed, CPed और DPed ये जानते हैं आप, ये शारीरिक शिक्षकों के लिए होती है, ठीक है ना, और इसमें भी टेट अनिवार्य नहीं है। किसमें? BPed, शारीरिक शिक्षा के लिए टेट अनिवार्य नहीं है, फिजिकल टीचर के लिए। पूर्णकालिक शिक्षिका, लेखाकार, रसोईया, सहायक रसोईया के पद पर महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। तो भाई जो आपके फुल टाइम टीचर्स के जॉब है उस पर आपको केवल महिलाओं का अभ्यर्थी करना है, वही आवेदन करें, पुरुषों के लिए जगह यहाँ नहीं है। इसका मतलब पुरुष जो अस्थायी है उस पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें अकाउंटेंट के लिए योग्यता आपके दी हुई है नीचे, बाकी सबकी योग्यताएं वगैरह यहाँ दी हुई है, ठीक है ना। अब जो लोग पहले से कार्यरत हैं तो उन्हें भी वहीं आवेदन करना है, उन्हें आगे छूट मिलती है, क्या होता है इसका डिसीजन आपके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रतापगढ़ में ही होगा, तो ये भी इसमें दिया हुआ है। अब आरक्षण जो है निर्धारित प्रावधान है उनके अनुसार होगा, बाकी डिटेल्स देखो, ये पदों की संख्या घटबड़ भी सकती है, ये भी इसमें बताया गया है, ठीक है। तो अतिरिक्त भारांक भी मिलेंगे इसमें, जो आपने काम किया उसके, तो 2% अतिरिक्त भारांक आपको दिए जाएंगे, अधिकतम 30% तक मिल जाएगा आपको भारांक। शुल्क अनारक्षित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 100 रुपए, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को 50 रुपए फीस जमा करानी पड़ेगी, जिसका डिमांड ड्राफ्ट आपको जमा कराना पड़ेगा सर्व शिक्षा अभियान प्रतापगढ़ के पक्ष में, ठीक है। तो SSA के थ्रू ये भर्ती हो रही है एक्चुअल में, इस हिसाब से इन्होंने डिमांड ड्राफ्ट आपको SSA के थ्रू ही मांगा है। तो आपका कॉन्टैक्ट होगा, ये कॉन्टैक्ट टीचर भर्ती है, तो 11 और 29 दिन का होता है,
बाकी काउंसलिंग होगी और वो आपका डेट यहाँ डिक्लेयर हो जाएगा किस किस का सिलेक्शन हुआ है। अशोक कुमार सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ ने ये जारी किया हुआ है। अब नीचे इसका फॉर्म है कि इसका फॉर्म कैसा है, जिसमें आपको अपना डिटेल भरना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ अपना फोटो लगाना है, नाम, खुद का नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, लिंग, स्थायी पता, ये सब भरने हैं आपको, जन्मतिथि वगैरह। ये आपके जो एकेडमिक्स है उसका फिलअप फॉर्म है, यहाँ उसके बारे में जानकारी आपको देनी है। ये आपके द्वारा शपथ पत्र है, ये आपको भरना है, और यहाँ आपको अपने साइन करा के यही फॉर्म अपने डॉक्यूमेंट लगा के, जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ भर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लगाइए, उनको खुद अटैच कीजिए, और वो डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं जो ऊपर मैंने सबसे ऊपरी ऊपर आपको पता बताया था, उस पते पर आपको भेजने हैं। कहाँ पर? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के कार्यालय में, ठीक है। आप कैसे भी भेजें, चाहे डाक भेज से भेजें या फिर आप खुद जाकर जमा कराएं, ठीक है। तो ये 15 स्कूलों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो कस्तूरबा गांधी स्कूल्स में दोनों तरीके के टीचर्स की वैकेंसी है, परमानेंट वाले भी और पार्ट टाइम वाले भी, लेकिन दोनों ही कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की भर्ती है SSA के थ्रू हो रही है, सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट जो बनवाना है उन्हीं के नाम से बनवाना है। बेटर यही होगा कि आप वेबसाइट पर विजिट करें, और इससे बेटर यह होगा कि आप उस ऑफिस में जाकर विजिट करें, वहां इसके बारे में पूरी जानकारी आपको और अच्छे तरीके से मिल सकेगी। जो लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं उन्हें भी वहीं पर उनकी समस्या का समाधान होगा, वहां पर कॉन्टेक्ट उनको जरूर करना चाहिए, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी उसके हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन सही सजेशन यही है इस मामले में मेरे ख्याल से कि आप ऑफिशियल एक बार विजिट जरूर करें इस ऑफिस में। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाने में कंफ्यूज मत करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।